इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में देर रात पिपलिहाना चौराहा के पास पूर्व पार्षद का बेटा सड़क हादसे का शिकार हो गया, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर युवक गड्ढे में जा गिरा। सर में गहरे घाव होने के चलते मौत हो गई। सुबह पुलिस को जानकारी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल जांच अधिकारी ने शनिवार सुबह बताया कि मामला तिलकनगर थाना क्षेत्र के पिपलियाना चौराहे के पास देर रात पूर्व पार्षद अयाज गुड्डू का 30 वर्षीय बेटा सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात वह बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिससे मौके पर सर में हुई गंभीर चोट के बाद उसकी मौत हो गई। सुबह जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। एक एक्सीडेंट मोनार्क बिल्डिंग इसके नंबर 140 के पीछे आनंद वन तरफ से एक रोड आता है, उसी रोड से मृतक जहरान खान उर्फ गोलू पिता अयाज अहमद उम्र करीब 25 साल निवासी 135 खिजराबाद इंदौर का रात्रि में कैसे आ रहा था, जो रोड से आया और वहाँ से रोड जो कटता है आखिरी रोड ख़त्म होता है वहाँ से रोड पश्चिम तरफ मुड़ता है, तो रोड से न मुड़ते हुए सीधे गड्ढे में कूद गया है, जिससे रात्रि होने से कोई देख नहीं पाया। शायद सुबह लोगों ने खबर की है, इसके बाद उसकी गाड़ी के आधार पर उनके परिजनों को पता किया गया, जो खजराना का बताया गया, परिजन भी साथ में आ गए। बाद में फार्म तैयार कर PM हेतु लाया गया है, जो भी स्थिति होगी PM के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अभी तक फिलहाल एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। आपका नाम बताइए। उप निरीक्षक मदन सिंह बर्डे, थाना तिलक नगर, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्ट इंडिया न्यूज़, इंदौर।